मिडिल क्लास फैमिलीज में एक ऐसा चैलेंज होता है जिसकी तरफ आपका अभी तक ध्यान ही नहीं गया होगा, पर वो चैलेंज एक बहुत बड़ी फसाद की जड़ है। बेसिकली तो बोला तो ये जाता है कि पैसा सारी फसाद की जड़ है, पर मिडिल क्लास फैमिलीज में बच्चों को पैसे से दूर रखा जाता है। बचपन से बच्चों को पैसे रखने नहीं दिए जाते, बोला जाता है पैसे की तरफ ध्यान मत दो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो। एक बच्चा कॉलेज में पहुंच जाता है, अपने माँ बाप को बोलता है पापा मैं कहीं पार्ट टाइम में जॉब कर लूं, तो उसके पिताजी रिप्लाई करते हैं क्या इसी दिन के लिए तेरे को इतना पढ़ाएगा, तू भी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। कोई अगर तू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, जो भी बनना तेरे को वो बन, हम कर तो रहे हैं। और उसे बोला जाता है पैसे की तरफ ध्यान ही मत दे, ये कोई उम्र है पैसे कमाने की। तो यहां से एक बहुत बड़ा सवाल शुरू होता है कि कौन सी उम्र होती है पैसे कमाने की। अब आप बोलोगे जी जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाए तब उम्र होती है पैसे कमाने की, शायद जवाब है नहीं, मैं आपको समझाता हूँ उसके ऊपर। तो राहुल का जो मैंने एग्जांपल लिया कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, आपकी लाइफ से भी रिलेट करता होगा। तो हम बात राहुल की करते हैं, 18 साल का लड़का है जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है। अब राहुल के सामने ना दो चीज़ें हैं, ठीक है 18 साल का हो गया मतलब स्कूल कंप्लीट हो गया, वो कॉलेज में जाएगा, तो राहुल को पढ़ाई करनी है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया पढ़ाई करनी है। और मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि जो भी मैं आगे बताऊंगा इससे आप अपनी पढ़ाई को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करें, पढ़ाई आपको कंटिन्यूअस रखनी ही है। अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, डॉक्टर भी बनना है, डू इट, आप पढ़ाई करिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। पर राहुल को एक चीज समझ आ रही है, एक तो वो चीज है जो उसके घर वाले उसे कह रहे हैं, तो वो बोल क्या रहे हैं, उसके घर वाले क्या बोल रहे हैं कि पैसे की तरफ ध्यान मत दो। और दूसरी चीज राहुल क्या देख रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी फैमिली पैसे के लिए ही स्ट्रगल कर रही है, तो पापा उसके बड़े मुश्किल से पैसा लेकर आ रहे हैं, घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है, पर उसके पिताजी बोल रहे बेटा तू पैसे की टेंशन मत ले मैं कर लूंगा। पर राहुल को समझ क्या आ रहा है कि एक तो वो बोल रहे हैं कि पैसे की तरफ ध्यान मत दो, पर पैसे की घर वालों को जरूरत है। अब राहुल क्या करे, अब राहुल एक डिलेमा में फंस जाता है। माँ बाप किसी के भी गलत नहीं बोलते, माँ बाप हमेशा सही होते हैं, माँ बाप हमेशा आपको राइट गाइडेंस देंगे, पर जितनी दुनिया उन्होंने देखी है उतनी। अब मैं यहां पर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा और आपको कुछ लॉजिकल चीजें बताऊंगा। अब वॉरेन बफे की जिंदगी उठाइए, अब धीरू भाई अंबानी जी की जिंदगी उठाइए, आप उन लोगों की जिंदगी उठाइए जो सेल्फ मेड बने हैं। जो लोग सेल्फ मेड बने ना उन्हें रियलिटी समझ आती है, उन्हें रियलिटी समझ आती है कि घर परिवार में किस चीज की जरूरत है, अगर हमें अपने सपने पूरे करने तो किस चीज की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए मेरी बहुत हम्बल बिगनिंग्स थी, पर मुझे इतना पता था कि जितना मेरे पिताजी कर रहे हैं आज की डेट में ये घर तो चला पाएंगे बट मेरे कभी सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। अब मैं अपने सपनों के लिए अपने पिताजी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो सकता हूं, तो बिल्कुल गलत है। और जो ये रास्ता मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है मैं इस रास्ते पर कामयाब बनी ना पाऊं। एक माँ बाप बच्चे को बहुत सही गाइड करते हैं, बट बच्चे को पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, किस फील्ड में आगे जा सकता है, किस फील्ड में नहीं जा सकता। तो अब राहुल के लिए यहां से एक नया स्टेप शुरू होता है और जो मैंने लिखा गेटिंग स्टार्टेड। अब राहुल को रियल लाइफ में क्या करना पड़ेगा, देखो राहुल, अगर मैं राहुल बोल के आपको एड्रेस करूंगा चलेगा आई थिंक आप लोगों को, तो मैं राहुल की बात कर रहा हूं। देख भाई, एजुकेशन तो कंप्लीट करनी है, आप कॉलेज में जाओगे, ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। जब मैं कॉलेज में जाता था तो मैं ट्राई करता था मैं किसी भी हाल में 2 बजे तक फ्री हो जाऊं। अगर 2 बजे के बाद के कुछ लेक्चर्स थे मुझे छोड़ने पड़ते थे, कभी कभी मैं उन्हें अटेंड कर लेता था, बट ज्यादातर टाइम मैं उन्हें छोड़ता था। जितनी अटेंडेंस मुझे चाहिए थी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए उतनी आ जाती थी, पर इंपॉर्टेंट क्या था मेरे लिए कि भाई मेरे घर वाले तो बोल रहे हैं कि पैसे की तरफ ध्यान मत दे, बट मुझे कमाने पड़ेंगे। अब 18 साल की उम्र में राहुल कैसे कमाएगा यार, सवाल बहुत सवाल आएंगे, कितना पैसा कैसे आएगा, एकदम से आ जाएगा, द आंसर इज नो। सो अब राहुल को स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा उसे करना क्या। देखो राहुल के अंदर आज कई सारी चीजों की कमी है, हमने राहुल के माइंडसेट के ऊपर बात करी थी, हमने राहुल को थोड़ा सा सिखाया कि वो कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी बात करी, 4 जनों में वो कैसे उठ बैठ सकता है, क्या क्या उसे ध्यान रखना, ये हमने उसे समझाया थोड़ा सा। तो राहुल को हमने इससे पहले वाले स्टेप्स में काफी कुछ समझाने की कोशिश करी है, पर अब बात आती है वो जो समझा है ना उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना। तो राहुल के अंदर आज स्किल्स की कमी है और इन स्किल्स की वजह से आज ये डिसाइड होगा कि वो कितने पैसे कमाएगा। अगर उसके अंदर स्किल्स है तो वो पैसे कमा सकता है, अगर स्किल्स नहीं है तो शायद नहीं भी कमा सकता। एक नंबर 1 पॉइंट है, अभी प्रॉब्लम क्या हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि एजुकेशन के नाम पर किताबें पढ़ाई जाती हैं पर रियल लाइफ स्किल्स बच्चों में होती ही नहीं है। जो लोग MBA करते हैं बहुत अच्छी बात है, आपने MBA करी, क्या सबके सब इस माइंडसेट को डेवलप कर पाते हैं कि वो एक बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे? उन्होंने किताबें पढ़ी, जो उनके टीचर्स ने समझाया उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बट जिसने MBA कर ली क्या कोई गारंटी है कि जिसने MBA करी वो बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है? आपको कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब वो MBA कर रहे थे उनका फोकस क्या था कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, उनका ये फोकस था ही नहीं। ज्यादातर लोगों का 90% लोगों का फोकस होता है कि MBA करने के बाद एक अच्छी जॉब मिले, ना कि MBA करने के बाद हमने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है तो हमने MBA कर ली है उसके बावजूद हम ये नहीं चाह रहे कि हम अपना बिजनेस शुरू करें। तो अब एक चीज तो समझ आएगी आपको कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो भी आप एजुकेशन लेते हो स्कूल में कॉलेज में, वो फोकस करते हैं किताबी ज्ञान पर, रियलिटी में क्या स्किल्स काम आएंगी ना वो
अलग तरीके से लोग सीखते हैं। तो जो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है और फिर जो जॉब करनी होती है ना, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। उस जॉब से पहले भी ट्रेनिंग होती है, और वो जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें सिखाया जाता है वो काम जिससे एक्चुअल में कंपनी को रिजल्ट आएंगे। इसी तरीके से राहुल को समझना पड़ेगा उसके अंदर स्किल्स की कमी है। दूसरी चीज, राहुल के अंदर एक और कमी है आज की डेट में, दैट इज बिजनेस एजुकेशन। अब ये बिजनेस एजुकेशन क्या होता है, आज इस स्टेप के अंदर हम बिजनेस एजुकेशन के ऊपर ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का। अभी हमने दो चीजों के ऊपर बात करी थी, स्किल्स और बिजनेस माइंडसेट। तो इस डॉक्टर के अंदर स्किल्स है, इसके अंदर स्किल्स है, डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो डॉक्टर लाजमी है, अगर किसी पेशेंट से मिलेगा तो कुछ ना कुछ कंसल्टेशन फीस लेता है। अब हो सकता है आपके एरिया में भी, आपकी लोकेलिटी में कोई डॉक्टर हो, और हो सकता है वो किसी भी क्लाइंट से कंसल्टेशन के, किसी भी पेशेंट से कंसल्टेशन के 500 रुपए चार्ज करता हो। पर आपने सुना होगा कोई डॉक्टर ऐसा भी होगा कि जो 2000 रुपए चार्ज करता है। चार गुने का फर्क, एक डॉक्टर 500 रुपए चार्ज कर रहा है, एक डॉक्टर 2000 रुपए चार्ज कर रहा है एक पेशेंट से मिलने का। तो क्या फर्क हो गया? आप कहोगे हो सकता है सर ये वाला जो डॉक्टर हो, जिसके पास जो 2000 रुपए चार्ज कर रहा है, इसके पास स्किल ज्यादा हो। बिल्कुल ठीक है, इसके पास स्किल ज्यादा हो। दूसरी चीज, आपको आप ऐसा बोल सकते हो कि उसने जो एजुकेशन ली है कोई बहुत बड़े प्रेस्टीजियस कॉलेज से ली हो, यूनिवर्सिटी से ली हो, मैं बिल्कुल मान सकता हूं। आप कह सकते हो इनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो सकता है, इनकी एज ज्यादा हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बोल सकते हो इन डॉक्टर के लिए। जो 500 रुपए ले रहा है और जो 2000 रुपए ले रहा है, उसके अंदर आप ही ने बोला कि भाई स्किल्स का फर्क है और बहुत सारे और भी पैरामीटर्स उनका फर्क हो सकता है। मैंने आपकी बात मान ली, चलेगा मुझे, बट हम बात कर रहे थे पैसों की। अब ये वाली जो एजुकेशन है ना, ये बहुत काम की है। अब ये डॉक्टर इतने फेमस हो गए कि वो पहले से 500 रुपए लेते थे, बट इन्होंने लोगों को ना रिजल्ट्स दिए। जो पेशेंट इनके पास जाते थे वो ठीक होने शुरू हो गए, तो ये फेमस हो गए, अब इनके पास पेशेंट्स बढ़ गए। तो वही डॉक्टर जो सिर्फ 500 रुपए लेते थे, उन्होंने फीस बढ़ाई और फीस बढ़ा के 1000 रुपए कर दी। आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है सर, मान ली आपकी बात। कल को और पेशेंट्स बढ़ गए, इन्होंने क्या कहा कि जी अब तो मैं 2000 रुपए लूंगा, एक नया क्लिनिक खोल लिया और फैंसी कर दिया सिस्टम को, और उन्होंने बहुत सुंदर क्लिनिक बनाया, 2000 रुपए पर पेशेंट चार्ज करना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे वो डॉक्टर भी 2000 ले रहा है, ये भी डॉक्टर 2000 ले रहा है, वो भी 2000 ही ले रहा है, पर अब इन्होंने 2000 रुपए चार्ज करना शुरू कर दिया। अब मैं कहता हूं इसी डॉक्टर के पास पेशेंट्स और बढ़ जाते हैं, तो आप कहोगे सर यहां पे तो लिमिटेशन आ जाएगी। लिमिटेशन क्या आएगी कि एक डॉक्टर 10 क्लाइंट को, 20 क्लाइंट को, 30 क्लाइंट को एक दिन में देख पाएगा? कितने क्लाइंट्स को देख पाएगा? अगर पेशेंट्स लगातार आते रहेंगे तो डॉक्टर के पास भी लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड टाइम है, वो सारे पेशेंट्स को नहीं देख सकता। तो यहां पर क्या होगा, इनकम पे कैपिंग आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ पेशेंट्स को देख के पैसे कमाते हैं, ऑपरेशंस भी करते हैं और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें नहीं जाएंगे। देखो डॉक्टर्स भगवान है मेरी नजर में। तो आज की डेट में जब कोई इंसान बीमार पड़ जाता है तो उसे समझ आता है कि डॉक्टर की क्या वैल्यू है। तो मेरी नजर में तो डॉक्टर्स भगवान है, तो मैं डॉक्टर्स के प्रोफेशन को बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन मानता हूं। पर यहां पर अब हम बिजनेस की बात करें, प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, बट डॉक्टर की इनकम पे कैपिंग हो गई। अब डॉक्टर क्या क्या कर सकता है इसके बारे में सोचो। देखो मैं क्या चाहता हूं, आप मेरे साथ ना एक थॉट एक्सपेरिमेंट में आ जाइए, आप थोड़ा दिमाग चलाइए। आज हो सकता है कोई आदमी इस वीडियो को किसी गांव में बैठकर देख रहा हो, कोई जिले में बैठ के देख रहा हो, कोई कस्बे में बैठ के देख रहा हो, कोई चौल में बैठ के देख रहा हो, पर उसे बड़ा आदमी बनना है यार। कल को हो सकता है आप ही डॉक्टर बने। तो मैं तो चाहता हूं ना कि आपकी ग्रोथ ऐसी हो यार, मतलब ट्रिमेंडस ग्रोथ। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आप उसके बारे में सोच पाए। क्योंकि राहुल आज मिडिल क्लास फैमिली से, बट उसे जो माइंडसेट मिल रहा है ना, वो उसे एक रिच माइंडसेट मिल रहा है, और उसका माइंडसेट उसे गरीब रहने नहीं देगा, इतना मुझे पता है। तो अब हम आपके ही माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो डॉक्टर क्या कर सकता है? आपको डॉक्टर ये कर सकते हैं कि डॉक्टर के जान पहचान में और भी कुछ डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो उन्होंने नया क्लिनिक लिया है तो वहां पर वो दो और डॉक्टर्स को हायर कर सकते हैं, कि अगर पेशेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं तो कुछ पेशेंट्स को दूसरे डॉक्टर्स भी देख पाए। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर और डॉक्टर्स को हायर कर ले अपने साथ, और एक टीम बन जाए जिसके अंदर कुछ रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे या किसी भी तरीके से एक स्ट्रक्चर हो जाएगा कि 2000 के चार्जेस हैं, पर दूसरे डॉक्टर को सिर्फ 1000-1000 रुपए मिलेंगे और 1000 रुपए उस मेन डॉक्टर को मिलेंगे। तो अब हमारे पास तीन डॉक्टर हो गए, डॉक्टर ए जो पहले 500 लेते थे और अब 2000 लेते हैं, और ए ने बी और सी को हायर कर लिया, ये भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, पर अब ये रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो क्लाइंट तो 2000 दे रहा है, 1000-1000 इन्हें मिल रहे हैं, पर अब क्या है कि इनके क्लाइंट्स का पैसा भी इस डॉक्टर को मिल रहा है। ये जो सिस्टम होता है, यहां पे हायरिंग हुई है, यहां से एक बिजनेस जन्म लेता है। बिजनेस का मतलब समझते हैं आज हम। बिजनेस का रियल मतलब होता है लोगों की हेल्प करना। सेकेंडली, हम काम ना भी करें तब भी एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो हमें पैसा कमा कर दे पाए। तो अगर इसी सिस्टम में डॉक्टर ए बीमार पड़ जाते तो उन्हें क्लिनिक की छुट्टी करनी पड़ती और पूरा रेवेन्यू का लॉस होता पूरे दिन का। पेशेंट जितने भी आते वो घर वापस जाते और किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती, तो यहां पर रेवेन्यू का लॉस होता। पर अब ये डॉक्टर सी की जगह अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो डी, ई, एफ कितने भी और डॉक्टर्स को हायर कर सकते हैं।
जैसे ये सिस्टम शुरू होता है, दिस इज बिजनेस, राहुल को आगे बढ़कर लाइफ में इस चीज को समझना पड़ेगा कि पहले तो जिस भी फील्ड में राहुल का इंटरेस्ट है उसमें वो महारत लेकर आए, स्किल लेकर आए, कि आज उसकी वैल्यू 500 रुपए हो, किसी की वैल्यू 2000 हो, पर धीरे धीरे करके वो रिजल्ट ऐसे दे कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़े। ये राहुल के स्टेप्स हैं। डॉक्टर को एक एग्जांपल के ले लिया मैंने, राहुल के स्टेप्स हैं कि राहुल को आज कोई 500 रुपए महीने के देगा। आपको कि महीने के स्टूल है यार, कुछ भी नहीं है। तो आज राहुल पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, राहुल आज अपना नाम बनाने के लिए काम कर रहा, राहुल आज स्किल्स गेन करने के लिए काम कर रहा है। तो काम करना पड़ेगा, अब यहां से शुरू होता है कि राहुल को क्या करना है। स्टेप वन, राहुल आपको एक्शन पे लगना पड़ेगा, आपको स्किल्स चाहिए। सो मैं सिंपली बोलता हूं, स्टार्टिंग में लोगों का पैसा नहीं होता कि जाते एक बिजनेस कर ले, स्टार्टअप कर ले, मैं सिंपली बोलूंगा गेट अ जॉब। अगर राहुल कॉलेज जा रहा है तो पार्ट टाइम जॉब, बट जॉब तो करनी है। इंटर्नशिप बोलो, जॉब बोलो, बट काम करना है। ये काम पैसे के लिए नहीं करना राहुल, सॉरी मैं यहां पे कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा हूं स्टेटमेंट को, पैसे के लिए जॉब नहीं कर रही। 99.99% लोग सिर्फ पैसे के लिए जॉब करते हैं। पैसा मिलना बंद, क्या कोई जॉब पर जाएगा? अगर आज आपके फादर ही जॉब करते हैं, अपने फादर से सवाल पूछना है, पापा अगले महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, क्या जॉब पर जाओगे? वो कहेंगे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। या चलो वो कहेंगे बड़ा लगाव है कंपनी से, एक महीना चला भी जाऊंगा, बट अगले महीने दोनों महीने की सैलरी चाहिए, भाई सैलरी मिलेगी तभी काम करूंगा। तो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहां पर क्या होगा अगर राहुल जॉब करेगा तो क्या मिलेगा राहुल को? राहुल को सबसे पहले सीखने को मिलेंगे रियल लाइफ स्किल्स। दूसरा, वो लोगों से मिलेगा यार। अगर वो घर पे रहेगा या सिर्फ कॉलेज जाएगा, अपनी पढ़ाई करेगा, तो वो किन लोगों से मिलेगा? स्टूडेंट से मिलेगा, पर उससे उसके दिमाग में आइडियाज नहीं आएंगे। तो राहुल को नए लोगों से मिलना और कनेक्शंस बनाने हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा टाइम लेके कनेक्शंस की बात समझाऊंगा आपको। देखो, कनेक्शंस आपके किस किस तरीके के कनेक्शंस हो सकते हैं। मान लेते हैं राहुल कोई रियल एस्टेट कंपनी के अंदर जॉब करना शुरू करता है और उसे सबसे सिंपल काम मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये काम मिलेगा, मान लो उसे फ्लैट्स बेचने हैं। अब फ्लैट्स किसी बिल्डर के फ्लैट्स हैं, उसे फ्लैट्स बेचने हैं, तो अब राहुल कनेक्शंस बनाएगा उन लोगों से जो फ्लैट्स खरीद सकते हैं। तो वो बेसिकली एफिलिएंट लोग होंगे जिनके पास पैसे होंगे, तो उन लोगों से कनेक्शंस बनाएगा। इसके साथ साथ उसे अपने जैसे और भी लोग मिलेंगे जो फ्लैट्स बेच रहे होंगे। अब आप कहोगे यार 18 साल का लड़का फ्लैट बेचने निकलेगा, हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा परसेप्शन क्लियर ना भी हो रहा, क्योंकि आपने हो सकता है किसी को ना भी देखा हो, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 18-19-20 साल के हैं और वो डेफिनेटली रियल स्टेट के अंदर अच्छा कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, राहुल वो काम करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। पैसा हर फील्ड में है, हमें बस उस फील्ड के टॉप पर पहुंचना है। आप किसी भी फील्ड के टॉप पर पहुंच जाओगे, चाहे वो खाना बनाना ही क्यों ना हो या गाना गाना ही क्यों ना हो, अगर आप टॉप पर हो तो आप बहुत पैसे कमाने वाले हो, बट अगर आप बॉटम पे हो किसी भी फील्ड में पैसे नहीं कमा पाओगे। सो अगर वो रियल एस्टेट के अंदर फ्लैट्स बेच रहा है, अपार्टमेंट्स बेच रहा है, शॉप्स बेच रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज बेच रहा है, वो पैसे कमा सकता है, डेफिनेटली कमा सकता है। लोगों को चाहिए कुछ और राहुल के पास अगर कुछ, तो बस यही एक जो ट्रांजेक्शन है ना, इसे बिजनेस कहते हैं। तो राहुल कनेक्शंस किन के साथ बनाएगा? डेफिनेटली उन लोगों के साथ जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है, ठीक है। तो एक तो उसके पास एक कैटेगरी ऑफ लोग मिलेंगे उसे। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो हार्डवर्किंग और जिनके अंदर स्किल्स हैं। राहुल को मैं बताना चाहूंगा, भाई इन लोगों के भी आपको कम से कम फोन नंबर्स अपने फोन में सेव रखने हैं, एक अच्छा कनेक्शन बनाना है। रीजन क्या है? राहुल हो सकता है कल को कोई अपना खुद का स्टार्टअप करे और उसे कोई बिजनेसमैन भी मिल जाए उसके स्टार्टअप को फंड करने के लिए, तो उस टाइम पे राहुल को लोग चाहिए होंगे, वो लोग जो टैलेंटेड हो, वो लोग जिनके अंदर स्किल्स हो। अब राहुल क्या किसी जॉब कंसल्टेंसी कंपनी को जाके बोलेगा कि मुझे लोग दो? डेफिनेटली बोलोगे आप, पर क्या उससे वो लोग मिलेंगे जो आपको एग्जैक्टली चाहिए? स्टार्टिंग में आपको जो मैनफोर्स है वो वहीं से मिल जाएगी जो आपने कनेक्शंस बिल्ड करे हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में आपके दिमाग में लोग होंगे, भाई वो आदमी के अंदर ये टैलेंट है, वो आदमी के अंदर वो टैलेंट है, वो आदमी फिलहाल उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है। और जब आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे आप बुलाओगे, लोग आएंगे। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, उन लोगों के पास कुछ खास पैसा नहीं है और उनकी टीम में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो और कंपनीज के अंदर कोई 50,000 पे, 1,00,000 पे, 1.5 लाख पे जॉब कर रहे थे और जॉब छोड़ के उस आदमी के साथ स्टार्टअप करने लग जाते हैं जिसके साथ उन्हें अपना आगे का विजन दिखता है। तो राहुल को ये स्किल्स, विजन दिखाने वाली स्किल्स, विजन बनाना, ये सब सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि आज राहुल के पास ये नहीं है। पर आज राहुल वो कनेक्शंस बनाएगा उन लोगों के साथ जो मैंने बताया, एक कैटेगरी पीपल है, दूसरा जिनके पास स्किल्स है। फोन में नंबर सेव होना ना बहुत बड़ी बात होती है, फोन में नंबर होना ही बहुत बड़ी बात होती है। क्या आपके पास देश के प्राइम मिनिस्टर का नंबर है? शायद नहीं, मेरे पास भी नहीं, पर जिसके पास है वो आदमी क्या है, आप समझ रहे हो? एक फोन नंबर होना ही बड़ी बात होती है, फोन नंबर होना बड़ी बात होती है। तो अगर किसी ऐसे बिजनेसमैन का उसके पास नंबर है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है और उसके बहुत सारे लिंक्स हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। राहुल के पास आज कोई कनेक्शंस नहीं है, पर राहुल को एक ऐसा बिजनेसमैन मिलता है जो राहुल को अपने बच्चे की तरह समझता है,
उसे दिखता है राहुल बहुत मेहनती है, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, और ये आदमी के पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं, बिजनेस लिंक्स भी हैं, हर तरीके के लिंक्स हैं, और ये राहुल को बस इतना बोलता है कि तेरे को कभी भी लाइफ में कोई जरूरत हो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। क्या ये स्टेटमेंट काफी नहीं है राहुल के लिए? आपको बहुत बड़ी बात है ये तो। पर अगर राहुल ने जॉब ही नहीं करी होती, राहुल कभी ऐसे लोगों से मिला ही नहीं होता, तो फिर ये तो कभी होता ही नहीं ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राहुल गेट अ जॉब, स्टार्ट करो, क्योंकि हो सकता है मैं बोलूं स्टार्ट अ बिजनेस, मैंने बोल दिया आपको स्टार्ट अ बिजनेस, बट आपके पास होता आज ना आइडिया हो, ना पैसा हो, ना कनेक्शंस हो, ना लोग हो, तो कैसे होगा? तो रियलिटी की बात करते हैं, राहुल को स्टेप्स पता होने चाहिए कि जिंदगी भर जरूरी कि वो जॉब ही करेगा। वो आज जॉब कर रहा है क्योंकि आज उसके घर की जो परिस्थितियां हैं, या फिर आज वो अपने आप को देखता है कि मेरे अंदर ही टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर ही स्किल्स नहीं है, और मुझे सीखना है। और जॉब वो वाली मत कर रहे जिसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं, जॉब वो कर रहे हैं जिसमें सीखने को ज्यादा मिलता है। तो ये राहुल के लिए पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी डेफिनेटली है कि उसने कनेक्शंस बनाए, बिल्ड करे, और कल को उसके पास खुद का कोई आइडिया है। और आइडियाज कैसे मिलेंगे, मैंने आपको बताया था ह्यूमंस ऑस्मोसिस से सीखते हैं, लोगों के साथ कनेक्शंस जब आपके बनेंगे तो आइडियाज भी आपके साथ एक्सचेंज होंगे। जब आइडियाज थॉट्स एक्सचेंज होंगे तो दिमाग चलेगा, और दिमाग चलेगा तो पैसा बनेगा। तो ये जो स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं, ये राहुल को चढ़नी है, और ये पहले दिन नहीं होगा राहुल। अब राहुल को मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि राहुल आप ना कुछ किताबें भी पढ़ना शुरू करो। जैसे एक बहुत अच्छी किताब है नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच, आप अमेजोन से ऑर्डर करके पढ़ो। आप मेरी भी किताबें पढ़ सकते हो, बट मैं आपको कुछ और अच्छी किताबें सजेस्ट करूंगा, जैसे रिच डैड पुअर डैड। आपको समझना पड़ेगा अमीर बाप जो है अपने बच्चों को क्या सिखाता है, गरीब बाप अपने बच्चों को क्या सिखाता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने थोड़े एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया हुआ है कि कैसे आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हो। अब आज इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, स्टेप्स क्या थे, मैंने यहां पर बात करी थी स्टेप वन गेट अ जॉब, और ये आज आपने सीखा किसमें है, आज हमारा ये स्टेप सेवन है। तो आपको सबसे पहले जॉब चाहिए, इसी के अंदर मैं स्टेप टू लिख देता हूं आप लोगों के लिए, सो दैट यू रिमेंबर कि आपको कनेक्शंस बनाने हैं, बिल्ड कनेक्शंस। स्टेप थ्री भी मैं डिस्कस कर लेता हूं कि आपको क्या करना है, ऐसे जॉब पे ऊपर फोकस करना, इंटरेस्ट आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, पर उसके अंदर कोई ना सेल इन्वॉल्व हो। सेल समझते हो, कोई माल बिकता है, कोई प्रोडक्ट बिकता है, कोई रियल स्टेट बिकता है, कोई सर्विस बिकती है तो पैसा आता है, कोई सॉफ्टवेयर बिकता है तो पैसा आता है। जब हम सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं ना, जितना आप यहाँ पर सीखोगे उतना आप कहीं नहीं सीखोगे, क्योंकि बेचना और लोगों की जेब से पैसा निकालना एक कला होती है। अब लोग अपनी जेब से पैसा अपनी मर्जी से निकालते हैं, आप किसी को या तो बंदूक की नोक पे पैसे निकाल सकते हो, या फिर आपके पास कुछ ऐसा होगा जो लोगों के लिए, उनके भले के लिए होगा, उस चीज़ के लिए लोग पैसा खर्च करेंगे। आप कोई अपार्टमेंट दिखाओगे, वो इंसान उस अपार्टमेंट में अपना आशियाना इमेजिन करेगा, विजन बनाएगा, तो उसके लिए पैसे खर्च करेगा। आप अगर सेल्स के प्रोफेशन में होगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। डेफिनेटली ड्रेसिंग पे काम करना पड़ेगा, अपने लुक्स पर काम करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर पर काम करना पड़ेगा, आप किस तरीके से लोगों को समझते हो, आपको साइकोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, तो आपको इसके साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। तो सेल्स के लोग, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बेस्ट लोग होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री को उठा लो, उस इंडस्ट्री के सेल्स के लोग बेस्ट लुकिंग होंगे, वो साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते होंगे, वो कंपनी को रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं भाई, पैसा लेकर आ रहे हैं। सो जो सेल्स के अंदर लोग होते हैं ना, देर द फर्स्ट टू बी हायर्ड एंड लास्ट टू बी फायर्ड, उन्हें सबसे पहले हायर किया जाता है, सबसे बाद में निकाला जाता है, क्योंकि इनसे कंपनी चल रही होती है। तो आप अगर कोई ऐसा काम शुरू करते हो, आपका फर्स्ट जॉब है, आपने हमेशा से सुना होगा मिडिल क्लास फैमिलीज में कि कोई भी काम करना सेल्स का काम मत करना, क्योंकि उन्होंने क्या देखा है, घर घर जाके बेचना पड़ता है, इंश्योरेंस में लोग बेचते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, इस तरीके से चीज़ें देखी है उन्होंने। पर उन्हें ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा इंसेंटिव भी सेल्स में ही मिलता है। जब आप कोई रियल स्टेट बेचते हो ना, और वो 1% की कमीशन मिलती है, 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी बिकी, 1% 1 लाख रुपये होता है, 2% 2 लाख रुपये होता है, जो इतना बड़ा बड़ा इंसेंटिव मिलता है ये सेल्स में ही मिल सकता है। और ये मैं बहुत छोटे लेवल पर बात बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आप सेल्स के अंदर सेल्स हेड बनते हो, आपकी टीम होती है, आप अपनी टीम से काम करवाते हो, उनसे सेल्स निकलवाते हो। सो व्हाट आर यू डूइंग, डॉक्टर की बात याद आई कि डॉक्टर ए ने डॉक्टर बी, डॉक्टर सी, डॉक्टर डी को हायर किया था, और इसी तरीके से उन सब के एफर्ट से डॉक्टर ए कमा रहा था। सेल्स के अंदर आप ये सीखोगे, क्योंकि बिजनेस भी तो यही होता है, कल को अगर आपको अपनी खुद की कंपनी चलानी होगी तो आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आज हो सकता है आपको मेरी बातें रेलेवेंट भी ना लगे, मुझे चलेगा यार, क्योंकि मैं आज के लिए तो बना ही नहीं रही ये वीडियो, ये आपको लाइफ टाइम चीज़ें याद रहेंगी, और आपको अगर याद रहेंगी तो आपके काम ज़रूर रहेंगी। सो मैं यहाँ पे स्टेप्स बता रहा हूँ, और जब आप सेल्स में होगे तो आप डेफिनेटली पैसा कमाओगे। अब आपके घर वाले आपको स्टार्टिंग में अपोज कर सकते हैं, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस दिन आप एक अच्छा अमाउंट अपने माँ बाप के हाथ में आकर रखोगे ना, और बोलोगे पापा मैंने मेहनत से कमाए,
मैंने इस और क्लियरली बताओ आप क्या काम कर रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो उसके बारे में आपके माँ बाप को पता होना चाहिए, कुछ छुपा के नहीं करना, बता के करना है। बट जिस दिन आप अपनी मेहनत की कमाई अपने माँ बाप के हाथ में लगे रखोगे ना, उन्हें गर्व जरूर होगा आपके ऊपर। अब यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा, पैसे कमाने की ना एक्चुअल में कोई उम्र होती नहीं है। पैसा तो एक 10 साल का बच्चा भी कमा सकता है अगर वो आसपास की दुकान से जाके कोई ऐसा सामान खरीद ले जो उसे सस्ते में मिल जाए और वो महंगे में बेच दे, तो वो पैसे कमा सकता है। बट पता क्या होगा, मिडिल क्लास फैमिलीज में ना उस बच्चे की बहुत डांट पड़ेगी कि तू पैसे कमाने के ऊपर काम कर रहा है, तेरे को किसने बोला था ये सब करने के लिए, ये सब काम नहीं करने तुझे। पर अगर वो किसी बिजनेसमैन का बच्चा होगा ना, तो बिजनेसमैन शाबाशी देगा क्योंकि उसने बिजनेस के लेसन को क्रैक कर लिया। तो मिडिल क्लास फैमिलीज में बिजनेस लेसन से बच्चों को दूर रखा जाता है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज आपको समझ आ रहा है कि उन बिजनेस लेसन को आपको ग्रैब करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो अभी हमने इस स्टेप के अंदर रियल लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने की बात करी है, कनेक्शंस बिल्ड करने की बात करी है, सेल्स के अंदर आप अगर जा सकते हैं और डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट होना भी चाहिए, नहीं है तो बिल्ड कर लो। और आपको समझ आया होगा कि बिजनेस किस तरीके से बिल्ड होता है, हमने डॉक्टर का एग्जांपल लिया था। तो आई होप राहुल को काफ़ी कुछ समझ आ रहा होगा। पर भाई अभी तो स्टेप 7 हुआ है और 40 स्टेप्स हैं इस पूरी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। सो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में आइए और जो हम आगे अब सीखने वाले हैं उनके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, जो भी आप सुन रहे हो उसे अप्लाई करने की कोशिश करो। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर सर्कल। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपके गुस्सा वाला आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट आई एम योर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।